गुजरात की पावन भूमि पर हैं, इससे पहले भी आपसे रूबरू हुए थे। आज एक अहम बैठक भारतीय जनता पार्टी की थी, जो कि मीडिया वर्कशॉप थी, और भारतीय जनता पार्टी का ये हमेशा मानना रहा है कि लोकतंत्र में कोई चौथा स्तंभ है तो वो आप लोग, अभी वो लोग हैं जो कि सजग प्रहरी हैं और जो अच्छा कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार कर रही है उसको जनता तक पहुंचाने का काम कोई करता है तो आप करते हैं। मैं इस मंच से ये जरूर कहूंगा, जो कार्यशाला में हुआ वो तो संगठन की बात है, लेकिन क्योंकि ये अवसर मिला है कि आपके बीच में अपनी बात रखूं, तो ये जरूर कहना चाहता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के कुशल नेतृत्व में हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। और ये गर्व की बात है कि नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय राजनीति को कई मायने में बदला है। सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड लेके जनता तक जाते हैं, क्योंकि हमें ये विश्वास है कि जो कार्य ईमानदारी से, पारदर्शिता से केंद्र सरकार ने पिछले 10 साल में किया है वो अद्भुत है, अकल्पनीय है। दूसरी बड़ी बात, इस मंच से बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, सब कहते थे पूर्ण बहुमत की सरकार बहुत ही मुश्किल है, ये 2014 की बात है, 282 सीटें भाजपा लेके आई। उसके बाद 2019 में लोगों ने कहा एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है, इसलिए बहुमत की सरकार नहीं आएगी। 303 सीटें आई एंटी इनकम्बेंसी की राजनीति को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बदल दिया है प्रो इनकम्बेंसी की राजनीति। जनता मांगे मोर, वी वांट मोदी जी, मोदी जी की गारंटी, मोदी जी है तो मुमकिन है। यह बदलाव बड़ा आ गया है। और क्योंकि मैं गुजरात में हूं, हमारा भाजपा परिवार करोड़ों कार्यकर्ता दिन रात जनता के संपर्क में है, और प्रभु राम की कृपा होगी पुनः देश के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे और 303 सीटों से ज्यादा अकेले फिर से भाजपा की आएंगे। और क्योंकि गुजरात में हूं, गुजरात में हम सब जानते हैं कि प्रो इनकम्बेंसी की प्रयोगशाला लेबोरेटरी कोई है तो वो गुजरात है। लोकसभा में 26 में 26 सीटें, 7 चुनाव लगातार जीत जाना, और अंगद का पैर होता है जिसको कोई हिला नहीं पाता है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का कमल है। 182 में 156 सीटें आ जाना, और जो प्रण हमने लिया है कि 26 में 26 सीटें तो देंगे ही, लेकिन हर सीट में जो विक्ट्री मार्जिन होगा, जो अंतर होगा, वो 5 लाख से ज्यादा होगा। ये तभी संभव हो सकता है जब आप केवल एग्जाम आने पे मेहनत ना करें, पर उस छात्र की तरह हो जो 10 साल तक आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरह मेहनत करता रहा, जनता को समर्पित रहा, चाहे महामारी कोविड की हो। जब सुरक्षा कवच देने की बात आई तो 220 करोड़ सुरक्षा कवच भारत की जनता को दिए। जब वादा निभाने की बात आई, जो लोग कहते थे असंभव है, अनुच्छेद 370 हटाना, हटा के दिखा दिया संविधान के तहत। जो लोग तंज कसते थे विरोधी,
सनातन विरोधी विपक्षी दल कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब हम कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे और तुमको भी बुलाएंगे। ये बात अलग है, तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से तुम नहीं आ पाओगे। हम समझते हैं तुम किंग कर्तव्य मूढ़ हो, लेकिन हमारा जो कर्तव्य था हमने उसका पालन किया। मैं ये बात कह के अपनी बात को विराम दूंगा।